आप देख रहे हैं वेद संसार। दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आप अपनी पूजा को जल्दी सफल बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारा अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों साथ ही आप नीचे दिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हम अक्सर अपने दिन की शुरुआत पूजा से ही करते हैं। कहते हैं पूजा करने से हम अपने देवी देवता को प्रसन्न कर सकते हैं जिससे हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। यही कारण है कि पूजा के महत्व को देखते हुए शास्त्रों में कई नियम भी बनाए गए हैं। कहते हैं कि इन नियमों का ध्यान रखने पर आपकी पूजा सफल हो सकती है और आप जल्दी ही शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बताते हैं कि शिव पुराण और पुरानी मान्यताओं के आधार पर हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। इस जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तुलसी के पत्ते 11 दिनों तक बासी नहीं माने जाते हैं, इसलिए आप पत्तियों को जल से धोकर फिर से भगवान को चढ़ा सकते हैं। तांबे के बर्तन में चंदन, घिसा हुआ चंदन या फिर चंदन का पानी कभी ना रखें। ध्यान रखें कभी भी किसी दीपक से दूसरे दीपक को ना जलाएं। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु को पंचदेव कहते हैं, इनकी पूजा जरूर किया करें। बुधवार और रविवार को पीपल के पेड़ में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। ध्रुवा जरूर भगवान गणेश को अर्पित करें। कहते हैं कि ध्रुवा की 21 गांठ चढ़ाने से गणेश जी बहुत खुश हो जाते हैं और आपकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। बिलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें पानी से धोकर आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जब भी आप आगे पूजा करेंगे तो इन बातों का जरूर से ध्यान रखेंगे। तो सारे भक्तजन मिलकर कहें ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। हम जल्दी लौटेंगे एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।